हेलो, मैं राजेंद्र भल्ला फ्रॉम वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। आज मैं कैंसर के बारे में जो मिथ्स हैं कॉमन, उसके बारे में बात करूंगा। एक जनरल परसेप्शन क्रिएट किया गया है पब्लिक में कि कैंसर बहुत तेजी से फैलता है, तो इसलिए जैसे ही कैंसर का डायग्नोसिस हो, हमें एक मिनट भी लूज किए बिना फटाफट उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और इसके लिए बोला जाता है कि कैंसर जो है वो ब्लड से और लिम्फ नोड सिस्टम से फैलता है, और कोई भी डिले कैंसर की ट्रीटमेंट में हमारी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से कम कर देती है। अब इसके बीच में मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा जिससे कि शायद ये प्रूव हो पाएगा कि ये लिम्फ और ब्लड नोड्स ब्लड से नहीं फैलता है। सबसे पहले तो एक जो रूमर फैलाई जाती है वो है कि कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो म्यूटेशन हो जाता है और वो डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं। कैंसर में ट्यूमर होता है किसी भी जगह पर, ब्लड सप्लाई होती है टिश्यूज में। जब तक वो ब्लड सप्लाई ठीक ठाक हो रही है, ब्लड पास हो रहा है, रुक नहीं रहा, तब तक ट्यूमर नहीं बन सकता। ट्यूमर बनने के लिए जो इस पोर्शन के अंदर वेसल्स आ रही हैं पतली पतली, वो पतली पतली ब्लड वेसल्स को जो बेसिकली उनका सेल्स होते हैं, उनको जो एनर्जी चाहिए, उसको जो सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वो नहीं मिल पाती। कैंसर सेल्स का जो परफॉर्मेंस होता है, जो उनको एनर्जी अवेलेबल होती है, वो बहुत कम हो जाती है। हेल्दी सेल्स करीब 38 यूनिट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यही कैंसर सेल्स सिर्फ 2 यूनिट्स एनर्जी पूरा कर पाते हैं। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें एनर्जी नहीं होती। एनर्जी ना होने का एक ही कारण होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हमारा शरीर उतनी एनर्जी नहीं बना पाता जितने हमारे वाइटल ऑर्गेन्स को ऑप्टिमली काम करने के जरूरी है। तो अब क्या होता है, ये जो ट्यूमर्स होते हैं इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं, वो ठीक से ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाते, तो एक मुरझाने लगते हैं और उस तरीके से वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं। तो उसमें ब्लड सप्लाई बंद होता है, पर ब्लड सप्लाई बंद होने के बावजूद भी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उसके अंदर चलते रहते हैं। तो ये वाइट सा म्यूकस कह सकते हैं, इसमें पस सी भरने लग जाती है। अब इस पस से शरीर को अलग कर दिया जाता है एक बाउंड्री बनाकर। एक इसका जो आउटर शेल होता है वो शेल थोड़ा सा मोटा होता है, परंतु धीरे 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 क्या होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो जो आउटर शेल इसकी भी ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तो ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है, ये फैलने लगता है, फैलने इन द सेंस टूटने लगता है। सो अब जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, साइंटिफिक वर्जन्स हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली क्या होता है, सेल्स आपस में बाइंड करके टिश्यू बनाते हैं। सेल तो एक छोटा सा होता है, बहुत से सेल्स इस तरीके से मिलके एक, जैसे हमारी स्किन है, स्किन की एक लेयर है, तो ये एक टिश्यू है, तो इसी तरीके से इसमें बाइंडिंग होती है जो नॉर्मल सेल्स होते हैं। कैंसर सेल्स में ये बाइंडिंग खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, जब कैंसर सेल्स का बाइंडिंग खत्म हो गया तो सेल्स आप जहां पर ट्यूमर था उसके आसपास बिखर गए। ये पहले दिन नहीं होता है, ये टाइम लगता है, उस टाइम के हिसाब से ये कैंसर सेल्स बिखरते हैं, और इसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स या फ्लूइड होता है वो भी उसके साथ में फैल जाता है, जो कि इसको थोड़ा सा आगे तक फैला देता है। अब एक वर्जन ये है कि जो कैंसर के सेल्स हैं, मान लीजिए किडनी के कैंसर के सेल्स हैं, वो दूसरे ऑर्गेन में पाए जाते हैं, तो उससे कहा जाता है कि ये ब्लड से फैल गया, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए, जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं सप्लाईज। अब अगर ये ब्लड सप्लाई वेसल्स के थ्रू जा रही है तो ये क्योंकि नॉर्मल सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, कैंसर सेल्स नहीं हैं, तो इसमें बाइंडिंग होगी, टिश्यूज अच्छे तरीके से आपस में बाइंड करके मिलेंगे। तो ये जो लूज सेल्स हैं जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, जो सेल्स कैंसर सेल्स हैं उसमें एनर्जी नहीं है, वो बिना एनर्जी के सेल्स भी एक्टिवेटेड हैं, वो अपने आप से इस ब्लड वेसल में फोर्स करके नहीं जा सकते। तो क्या होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक जगह पर स्टार्ट हुआ पर वो बॉडी के किसी भी हिस्से में कभी भी फैल सकता है, उसका कोई पाथवे नहीं होता।
क्योंकि जब सेल्स में एनर्जी नहीं मिल रही, हार्ट हमारा ठीक से पंप नहीं मिल कर पा रहा ब्लड को, तो कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्शंस होने लगता है, कहीं ना कहीं वो ब्लड फ्लो रुकने लगता है, और जहां रुकने लगता है वहां के ब्लड वेसल्स जो पतली वाली होती है वो एंडेंगल होकर एक ट्यूमर बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये भी एक टिश्यू होता है। ये ब्लड वेसल्स के टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी जो बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है, जैसे जैसे वो कैंसरस होना शुरू होते हैं उनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी खत्म होने लगती है। जब वो कैंसर की बाइंडिंग प्रॉपर्टी, सेल्स की बाइंडिंग प्रॉपर्टी वेसल्स की खत्म होने लगती है, तो ये जो डेड सेल्स, जो ट्यूमर्स के डेड सेल्स होते हैं, ये इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और जब तक ये पूरी तरीके से डेड होते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे सर्कुलेट करके किसी और ट्यूमर के आसपास पहुंच जाते हैं। बट ये कैंसर के सेल थे, ये यहाँ पड़ा हुआ था, इसकी वजह से वो एंटर नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, 95% जो सेल्स होते हैं, या उससे भी ज़्यादा 99% सेल्स होते हैं, वो माइग्रेट होकर दूसरी जगह नहीं जाते। सम कैंसर सेल्स ओनली गो, और वो वही होते हैं जो किसी भी मूवमेंट की वजह से, किसी भी अचानक, जैसे हमारा कोई वेन बंद होता है, वेसल बंद होता है, तो पीछे से ब्लड का प्रेशर आता है, तो वो एक स्पैज्म पैदा कर सकता है। उस स्पैज्म की या उस मोमेंट की वजह से, उस वेव की वजह से डेड सेल कैन ट्रेवल। ये कैंसर सेल्स जब मूव करते हैं, दे आर कंप्लीटली डेड सेल्स प्रोड्यूसिंग नो एनर्जी, तो उसको एक एक्टिव जो कि दूसरी जगह भी ट्यूमर बना सकता है, नहीं माना जा सकता। सो ये जो एक र्यूमर्स है, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो इंडस्ट्री होती है जिसको प्रॉफिट कमाना है, वो र्यूमर्स के ऊपर डिबेट नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बहुत सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट थे, मेरे ख्याल से एस्टर मेड सिटी में कंसल्टेंट है, उनके उन्होंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल में बहुत सारी डिग्रीज दी हुई हैं। सो कहीं उन्होंने हमारे वीडियो में एक वर्ड देख लिया कि जो कैंसर से ब्लड कैंसर होता है, उस ब्लड कैंसर के अंदर जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है, वो एक मेन रीज़न है। इस बात पर नाराज होकर उन्होंने कुछ बातें सुनाई, दसवीं पास बोला, बेवकूफ़ बोला, मरण बोला, सो बेसिकली, और उन्होंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी उसमें आर्ग्यूमेंट या डिबेट शुरू ही नहीं हुई थी, उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं करी कि आप गलत बोल रहे हैं। जितने भी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो कभी भी इस टॉपिक को टच नहीं करते, कैंसर कैसे स्प्रेड होता है। आप कैंसर स्प्रेडिंग के बारे में इस पूरे सिचुएशन को समझिए, वो क्यों नहीं डिस्कस करते, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, ये तीनों के तीनों पेशेंट्स को डराते हैं कि कैंसर बहुत तेजी से फैलेगा, कैंसर सेल्स मोबाइल है, कैंसर सेल्स में तो जान ही नहीं होती, वो तो चल ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत से कॉमन सेंस की बात है, आप इसको विजुलाइज करके देखिए कि एक जगह ट्यूमर है, आसपास उसके ब्लड वेसल्स हैं, आसपास और टिश्यूज हैं, जब तक वो हेल्दी हैं तभी तक उसको कैरी कर सकते हैं, और अगर वो कैरी करते भी हैं तो कैंसर सेल्स विल नॉट हेल्प इन फॉर्मेशन फॉर ट्यूशन फॉर द न्यू ट्यूमर्स। सबसे मेन चीज ये है, वो एक डेड चीज है, उससे कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से पार्टिकल्स कंटिन्यूसली सेल्स पैदा होते हैं और मरते रहते हैं, जब तक ब्लड फ्लो होता है वो एक प्रोसेस है, वो जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो बॉडी से निकलते रहते हैं। परंतु प्रॉब्लम कब आता है, जब एनर्जी खत्म हो जाती है, तब वो जो क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, जो एक रिपेयर का प्रोसेस होता है, वो भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर में ट्यूमर्स होते हैं। फैलने का कारण ये होता है कि शॉर्टेज जो एनर्जी की हुई है, वो आज एक ऑर्गेन को अफेक्ट करेगा, कल और एनर्जी कम होगी, कल दूसरे को करेगा, तीसरे को करेगा। दूसरी चीज, वो एनर्जी से रिलेटेड है या नहीं है, कैंसर ज़्यादातर ऑलमोस्ट 80-90% ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में हमारा एनर्जी लेवल गिरता है, वो भी एक सिग्नल है ये प्रूव करने के लिए कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही पार्ट है। और इसका जो रिस्पांस होता है, अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को, जो हमारे प्रोटोकॉल से हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट, हफ्ते के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। और मेरा मानना है कि अगर हमारे प्रोटोकॉल्स को कोई 15 दिन फॉलो करेगा तो कैंसर वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो बाकी मैं कोई ये मेरा पर्सनल ओपिनियंस है, मैं कोई क्वालिफाइड नहीं हूँ किसी भी तरीके से मेडिसिन में या न्यूट्रिशन में। सो अगर कोई किसी को ये बात समझ में आती है और वो करना चाहता है तो अपने रिस्क पर कर सकता है, मेरा हेल्प चाहिए होगा तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट दिस नंबर 9971730965। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग न्यू एंड न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट योर हेल्थ मैटर्स। थैंक यू।